हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर क्लास थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 4.2 आज करने जा रहे हैं। इसमें सिंपल एडिशन तो आपको आते हैं, सिंपल एडिशन आते हैं। 5 और 1 कितना होगा? 6। 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 और 5 7। इस तरीके से तो आप कर लेंगे। ये तो मुझे सिखाने की नीड ही नहीं है। अब आता है प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो उसका मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ। बाकी ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके मैं आपको राइट करके दिखाएंगे, है ना, कंप्लीट करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट्स मीन्स छात्र, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, वो उन स्टूडेंट्स की संख्या, नंबर मीन्स संख्या, वो कितनी है इन अ स्कूल, एक स्कूल में। अ मीन्स एक, स्कूल मीन्स स्कूल, इन मीन्स मैं, एक स्कूल में छात्रों की संख्या इस मतलब है कितनी है? 2425, यानी कि 2425, 2425 इतने स्टूडेंट्स हैं। एंड 3575, यानी कि 573 इन अनादर स्कूल, दूसरे स्कूल में। पहले स्कूल में कितने बच्चे हैं? इतने। और सेकंड स्कूल में दूसरे वाले, अनादर मीन्स दूसरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? इतने। तो फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड करना है, फाइंड मीन्स पता लगाना है, टोटल नंबर, टोटल संख्या पता करनी है किसकी? स्टूडेंट्स की, इन द टू स्कूल, दोनों स्कूल्स में कितनी संख्या है, टोटल कितने बच्चे हैं। तो क्या करेंगे हम? सॉल्व, आंसर नहीं देंगे, पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व मीन्स हल करेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट स्कूल, क्या करेंगे? नंबर, नंबर को हम एन ओ करके और डॉट लगा देंगे ना, तो इस ये इंडिकेट क्या करता है? नंबर। ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर। हम चाहे तो पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं नंबर की, और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट वाले स्कूल में कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट्स थे? 2425। और सेकंड नंबर ऑफ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर, नंबर ऑफ, नो नहीं है ये, मैं बार बार बता रही हूँ, नो नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो सेम लाइन है, स्टूडेंट्स इन सेकंड, यानी अनादर स्टूडेंट स्कूल, सेकंड स्कूल में, यानी कि अनादर स्कूल में कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं? 3573। तो ये टोटल क्या करना है? टोटल मीन्स फाइंड करना है हमको, दो यानी कि प्लस करना है। कितना हो गया? 5 और 3 8, 2 और 7 9, 4 और 5 9 और 2 और 3 5। टोटल स्टूडेंट्स क्या निकले? तो टोटल आंसर इज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, टोटल स्टूडेंट्स कितने? इतने। आंसर क्या लिखोगे आप? आंसर लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ, बोथ मीन्स दोनों, बोथ स्कूल्स इज 5998। ठीक है, बस फुल स्टॉप लगा था, आंसर हो गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस हमको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन हमसे बोलता है वो आंसर हमको देना आना चाहिए इस लैंग्वेज को, और सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन नंबर्स लिखे होने चाहिए ताकि एडिशन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम को मैसेज कीजिए। ओके।